हेलो नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। मित्रों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में भोले बाबा की कृपा से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी मकर राशि वाले जातक के लिए कैसा रहने वाला है, आज का दिन आप सभी के दैनिक राशि फल में किस प्रकार से परिवर्तनशील योग का निर्माण होने वाली है, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे कि आप सभी मकर राशि वाले जातक का दिन कैसा गुजरने वाला है तथा आपके मनोविकार में किस प्रकार से परिवर्तन लाने वाली हैं तथा आप जीवन में विशेष बड़ी सफलता को किस प्रकार से प्राप्त करने वाले हैं, आज का दिन किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियों के रंग भर सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कार्य करने से आज आपको सफलता आपके मान सम्मान स्थिति में वृद्धि हो सकेंगे और आप व्यापार व्यवसाय और करियर लव लाइफ एवं स्वास्थ्य में किस प्रकार आज रहने वाला है, आपके दैनिक दिनचर्या क्या कहती है, आज कल ये परिवर्तनशील योग का निर्माण कैसे होंगे, आप जीवन में विशेष बड़ी सफलता की आगमन देख पाएंगे या नहीं, अब जीवन में विशेष बड़ी सफलता देखने वाले हैं और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना आप सभी मकर राशि वाले जातक के लिए शुभ और बेहतर हो सकता है और शुभ और बेहतर हो सकता है, किस प्रकार से आपके जीवन के तमाम दुख तकलीफे सभी समस्याओं से भी आप छुटकारा पा सकते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और आज आपको कौन सी महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकताएं हो सकेंगे जो आप सभी मकर राशि वाले जातक के लिए बेहतर और शुभ हो सकेंगे, आज आपका ध्यान हावी आज आइए जानते हैं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि वीडियो को जो है पूरा देखेगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आप किसी प्रकार से रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और अपने आने वाले दिनों को और भी से ज़्यादा शुभ और बेहतर बना सकें। जो भी माता रानी के भक्त हैं वह सारे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखेगा। आप सभी मकर राशि वाले जातक का दिन बेहतर तरीके से गुजरने वाला है, आप जीवन में विशेष बड़ी सफलता द्वारों में आगमन होने वाली है तथा आप जीवन में आप लोगों का की गई गलती आप बहुत ही अच्छे से पछताने वाले हैं, आज आपका जो है ध्यान हावी लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहेगा, घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम संबंधित गतिविधियां रहेंगी, लाभदायक जनसंपर्क स्थापित होंगे, नजदीकी रिश्तेदारों के आगमन से परिवार में खुशनुमा माहौल रह सकते हैं, परंतु दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखें, आपको कोई नकारात्मक बात किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ संबंधों में जो है कटुता उत्पन्न कर सकता है, इस समय अपने स्वभाव में बहुत ही अधिक सहज बनाकर रखने की आवश्यकताएं हो सकती हैं जो कि काफी महत्वपूर्न और काफी अच्छा होगा, साथ में इस समय अपने स्वभाव को बहुत ही अधिक सहज बनाकर रखने की आप सभी की आवश्यकताएं हो सकेंगी, व्यावसायिक रूप से दिन उत्तम रहने वाला है, कभी कभी कुछ दिक्कतें आने वाली हैं परंतु तो आप समझदारी से समस्याओं का हल पालेंगे, नौकरी पैसा व्यक्तियों अपने ऑफिस में काम पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं क्योंकि भविष्य में तरक्की होने के योग प्रबल है, वैवाहिक जीवन में समझनक बनाकर रखने वाले हैं तथा संतान की किसी बेहतरीन उपलब्धि से घर में खुशनुमा वातावरण बनने वाला है, थकान की वजह से थोड़ा मानसिक और शारीरिक तनाव भी आप महसूस कर सकते हैं, कान पान हथेली पर रखना होगा तथा कुछ समय आराम के लिए भी अवश्य निकालना होगा तो ही आप सभी मकर राशि वाले जातक के लिए शुभ हो सकता है, किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से मुश्किलें हो सकती हैं, व्यक्तिगत जीवन में कुछ बातों की प्रगति मन जैसे न होना आपको चिंतन बना सकते हैं और अधिक विचार आपके लिए परेशानियों का कारण हो सकते हैं, खुद के प्रति सकारात्मक भावना बनाने की कोशिश करें तो आप सभी मकर राशि वाले जातक के लिए शुभ और बेहतर हो सकते हैं, काम से संबंधित बातों धीमी गति से प्रगति की ओर जो है बढ़ने वाली है, आपके निर्णय में पार्टनर का सहयोग न मिलना आपके अंदर अकेलापन का आ सकता है, सेहत संबंधित तकलीफ भी शरीर को पूरा आराम मिलने के बाद कम करने वाली है तथा आज का लकी नंबर लकी कलर को जो है आखिरी में अवश्य जान लेने हैं जो कि आप सभी मकर राशि वाले जातकों का उसी पर आधारित होते हैं, आज अपने अपने सपने को जो है
साकार करने का दिन है, इसलिए खूब मेहनत से काम करें, खूब मेहनत से काम करें। अगर कहीं पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं तो तुरंत कर दीजिए, तो आप सभी के लिए शुभ हैं, क्योंकि इस समय ग्रह स्थितियां आपके लिए कई शुभ अवसर भी प्रदान करने वाली हैं। इनका जो है भरपूर सदुपयोग करें, जो कि आप सभी के लिए बेहतर होगा। आलस की वजह से किसी भी काम को टालने का प्रयास ना ही करें तो बेहतर होगा, जिसकी वजह से कुछ कार्यों में विलंब हो सकता है। योजनाओं को क्रियान्वित करते समय कुछ दुविधाओं की स्थितियां रह सकती हैं। अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपको परेशानी मुक्त करने वाला है। व्यवसायिक स्तर पर सहयोगियों का कार्य के रूप प्रति रूप पूर्ण समर्पण रह सकता है तथा आपका दबदबा भी बना रह सकते हैं। पिछले कुछ समय से चले आ रहे उतार चढ़ाव में टकराव आने वाले हैं। नौकरी पैसा लोगों को अगर नौकरी में कोई बदलाव संबंधित अवसर मिले तो तुरंत से तुरंत ले जाना चाहिए। व्यवस्थाओं के बावजूद भी घर परिवार को प्राथमिकता देना आपसे संबंधों को और भी अधिक मजबूत बनाते हैं। पति पत्नी की आपस में उचित समझरख बनाकर रखने वाले हैं। काम की अधिकताएं की वजह से थकान व कमजोरी आप सभी महसूस कर सकते हैं। इस समय जो है काम के साथ साथ भरपूर आराम लेने का भी दिन हो सकता है। आजकल ये बेहतर तरीकों से गुजरने वाले हैं। आप प्रयत्नों तो का द्वारा परिस्थितियों का माता जो है मात देना आप सभी के लिए आसान हो सकता है और मन में नकारात्मक भावनाओं का थोड़ा प्रभाव हो सकता है। जब तक आपका काम पूरा नहीं होता तब तक बेचैनी आपको सताती सकती है। आर्थिक बातों में नियोजन रखना आप सभी के लिए जरूरी हो सकता है। आपके काम द्वारा कोई रिवॉर्ड भी आपको प्राप्त होने वाला है। विवाह संबंधित प्रयत्न करते रहें आप सभी के लिए बेहतर होगा। गलत फान कान की वजह से पेट में दर्द हो सकता है जिससे आप सह नहीं पाएंगे। व्यक्तिगत में निखार आ सकता है। आप सभी का दिन जो है बेहतर तरीके से गुजरेगा और बेहतर आप लाभदायक परिस्थितियां जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी लाभदायक महत्वपूर्ण सूचना मिलने से मन प्रसन्नताओं से रहेंगे। इस समय आपका भाग्य आपके पक्ष में है। कोई निवेश संबंधित योजनाएं बन रही हैं तो तुरंत उस पर अमल करना होगा। आर्थिक दृष्टि से परिस्थितियां अनुकूल हैं। आलस की वजह से कुछ कार्य में रुकावटें आ सकती हैं तथा पैतृक संबंधी के मामलों में किसी भी पद पर भाइयों के साथ वाद विवाद होने की आशंकाएं बन रही हैं। हालांकि आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थितियों संभाल ही लेंगे, जो कि आप सभी के लिए बेहतर होगा। व्यवसायिक गतिविधियां आपकी सामान्य ही रह सकते हैं। आपके अधिकतर काम फोन द्वारा ही संपन्न होते जाएंगे। इस समय जो है शेयर तथा स्टॉक मार्केट से संबंधित व्यवसाय आपको मुनाफा कमवाने वाले हैं। नौकरी पैसा व्यक्तियों को भी अपने उच्च धारियों के संबंध जो है ठीक रखने की जरूरत हो सकती है। आपकी व्यवस्थाओं की वजह से घर में देखभाल का भी दायित्व आपके जीवन साथी द्वारा बखूबी से निभा सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने से मन प्रतिफुल्लित रह सकता है। तनाव की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकते हैं। अपना व्यापार ठीक रखें तथा योगा और मेडिटेशन पर भी आप सभी को ध्यान देना बहुत ही लाभदायक रहेंगे। आज परिस्थिति से जितना आप लड़ेंगे उतनी आपको तकलीफ होंगी, इसलिए सकारात्मक भावनाओं में रहकर परिस्थितियों अपनाने की कोशिश करते रहें। आपकी शक्ति और मेहनत का योग तरीके से उपयोग करना आपको सीखना होगा। काम से जुड़ी बातों पर पूरा ध्यान देना होगा। बेकार की बातों पर अपना जो है वक्त को बर्बाद न कहीं करें तो आप सभी के लिए शुभ होंगे। रिलेशनशिप में जो है बेहतरीन बदलाव नजर आने वाले हैं। हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। आपका स्वास्थ्य आपको साथ देने वाली है। आजकल लकी नंबर 7 रहने वाली है। आजकल लकी कलर हरा रहने वाली है तथा आज सभी का उपाय पितरों का विशेष पूजन करें, पितरों का विशेष पूजन करें, जिससे आप सभी के लिए बेहतर और शुभ परिस्थितियां निर्माण करेंगे। माता रानी की कृपा से आपकी राशि बेहद तरीके से राजयोग करेंगे। आप सभी के घरों में शुभ कार्य हो, मंगलकारी हो। जय मां माता दी।